छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल प्रतिभा में निखार लाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सफल बनाने के लिए दो दिवसीय मंडल स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ 17 दिसंबर से रीजनल स्पोर्ट स्टेडियम में आयोजित होगा। खेलकूद प्रतियोगिता में महानगर को 4 खेलों कबड्डी, बास्केटबॉल, कुश्ती और राष्ट्रीय एकांकी के आयोजन करने का अवसर मिला है। प्रतियोगिता में लगभग 2000 छात्र छात्राएं प्रतिभाग करेंगे। सभी खिलाड़ियों के खाने पीने और रहने की उचित व्यवस्था आयोजकों द्वारा किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने कहा, भाई स्टेज आपका बना हुआ है। भाई इस पे वो लगाते हैं ना, हाँ, दुनिया भर का कच्चा होता है, ऐसे सिंपल में अच्छा आ जाए। नहीं, ये बच्चे वहाँ पर जाएंगे, यार बना हुआ, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, अभी यहाँ पर आएगा ना, ठीक है, 100 लोग आएंगे, वहाँ तो प्रोटोकॉल मेंटेन होता है ना, कि इनके अलावा कोई जाएगा यहाँ, ऐसा कुछ है नहीं। उसमें तो 3 रोल लग जाएंगे भैया, गेस्ट है उनको एक सुबह आप इनको बच्चा 19 को टीम जाएंगे, मैं कुछ नहीं बता, हमारी टीम जाएगी, मेरे बच्चे हम तुमको जाओगे, निश्चित जाओगे, हम जाना है, हम खुद करने जाओगे, कहाँ जाना है, कहाँ बच्चों के साथ जाएंगे। कितने बच्चे हैं? 12। मैं वहाँ एक टीचर है, कौन सा, वो तो बहुत बता रहा था, उसको पेंशन किया था, अभी तो ज़्यादा है, 2.5 लाख के नाम, नहीं सर, 2.5 लाख प्रतियोगिता, ये मंडल स्तर पे खेल प्रतियोगिता है प्राथमिक विद्यालयों की, जो 17 और 18 को हो रही है, और गोरखपुर को 4 खेल मिला है, कबड्डी है, बास्केटबॉल है, कुश्ती है और राष्ट्रीय एकांकी करके है। तो क्या लग रहा है इसकी, कहाँ तक इसमें बच्चे, कितने संख्या में हैं? लगभग 2000 बच्चे आ रही हैं, सारे जनपदों से टीमें आ रही हैं, और हम उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था सब यही है, और टीम इंटर कॉलेज में व्यवस्था की गई है, रहने की रजाई गद्दा ये सब उपलब्ध कराया जाएगा, उसी की समीक्षा के लिए स्टेडियम बुक किया गया है, और यही सारी प्रतियोगिताएँ सर, इसमें मुख्य अतिथि, हाँ हाँ मुख्य अतिथि होंगे, अभी उस पर चल रहा है जी, 18 को 17 को सुबह 10 बजे इसका शुभारंभ होगा और 18 को समापन है। सर कुछ प्राइज वगैरह भी है? हाँ सब पूरी व्यवस्था, बच्चों को विशेष है, अब उसको तो चूंकि अभी कहा नहीं जा सकता कि हम कौन सी प्राइज देंगे, लेकिन सारे बच्चों को तो सर्टिफिकेट हम देंगे ही, जो प्रथम सेकंड और तृतीय आ रहे हैं उनको भी प्राइस है। इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए कुछ आगे की क्या, अब आगे फिर वो स्टेट से सेंटर में जाते हैं, इस तरह से प्रतियोगिता होती है, आगे बढ़ने की खेल, इस पढ़ाई के साथ साथ खेल पे भी उनकी रुचि है, रहे बनी रहे, और सरकार की एक तरह से एक नई पहल है, पहले भी होता रहा है और इस साल कुछ विशेष है।